इलाज के अभाव में लाचार होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे बंद तोरसा चाय बागान के एक श्रमिक परिवार के घर पहुंचकर स्वस्थ साथी कार्ड बनाकर स्वस्थ साथी कर्मियों ने परिवार के हाथों में सौंपा ताकि उपचार के लिए उस परिवार को मदद मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के कालचनी प्रखंड स्थित तोरसा चाय बागान विगत लगभग 2 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके पश्चात बगान की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुका है। इसी बीच बगान के श्रमिक गीता मनपरिया के 9 वर्षीय बालक इंद्र मनपरिया इलाज के अभाव में लाचार होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया गया है कि यह नन्हा बालक के साथ खेलते खेलते एक दुर्घटना घट गई, जिसमें उसके कंधे पर रेत घुस गया था। इलाज के पश्चात बच्चे की जान तो बची, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नाकाम होते जा रहा है। वर्तमान में इस बच्चे की सटीक उपचार की अति आवश्यकता है, जिसे देखते हुए परिवार वालों ने ब्लॉक प्रशासन के समक्ष जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई थी। इस विषय को लेकर ब्लॉक प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन को जानकारी दिया गया था एवं जिला प्रशासन के स्वस्थ साथी विभाग के तत्वावधान में स्वस्थ साथी कर्मचारी बंद तोरसा चाय बागान के इस लाचार श्रमिक परिवार के पास पहुंचकर उन्हें नया स्वस्थ साथी कार्ड बनाकर सौंपा ताकि वह इस कार्ड के माध्यम से बच्चे का सटीक उपचार कर पाए। इस विषय में पीड़ित बच्चे की मां गीता मनपिले ने बताए, हमने घर खाए पिए कोनो नहीं पुगेला, बागान भी बंद है, बागान बंद चलते भी छुआ बीमारी होके ट्रीटमेंट कर नहीं सकन, लेकिन की कार्ड आर स्वस्थ साथी ना की वो कार्ड लागे मैं पालो तब छुआ के कलकत्ता ले बुक के कहत हूं। हम गया था वीडियो ऑफिस जाके ये आपका ये बच्चा का जो गला में जो रोड घुसा हुआ था, इसका कारण से बच्चा पैरलिस हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका हालत बहुत खराब है और पीछे तरफ में ऐसा मैंने कमर के सामने में घाव भी हो गया है और ये सब पैर में ऐसे नीचे तरफ उसमें भी घाव हुआ है बच्चा का। ये हालत देख कर उसका माँ हमको जाके बोला तो हम अपना पार्टी द्वारा वहाँ पर बी डी ओ ऑफिस में गया। बी डी ओ ऑफिस में जाके वहाँ पर बी डी ओ का ऑफिसर को पकड़ा। पकड़ने बाद में आप लोग अलीपुर से आके आज कार्ड उड बना के हम लोग को दिया। आज ये कार्ड लेके हम लोग सोच रहे हैं कलकत्ता जाने के लिए।